हम सब उस परम सत्ता की संतान है और उसको पाकर ही हमारी सदा से चली आ रही आनंद पाने की इस यात्रा को विराम मिलेगा और उस सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त करने का, उनकी उपासना करने का केवल एक माध्यम है, प्रेम। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबका आधार है केवल और केवल प्रेम। वो प्रेम जो हमें करना है, उस प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान के प्रेमानंद को पाने के लिए, और यही प्रेम रस सिद्धांत है। उन महान विभूति का जिन्होंने आध्यात्म को एक नई दिशा प्रदान की, नई राह दिखाई और चाह जगाई भगवान के उस परम रसमय प्रेम को पाने की, वो दिव्य विभूति जिन्होंने इस संसार में एक नवीन आध्यात्मिक क्रांति लाकर संपूर्ण संसार को आध्यात्म के एक नए स्वरूप से परिचित करवाया। जितने भी शास्त्र वेद के ज्ञान हैं, वो यहीं पर आके समाप्त होंगे। भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो, उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता। कलयुग में सनातन वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी की वाणी भगवदीय तत्व ज्ञान के शंखनाद एवं पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के परम रसमय वेणु वादन का सम्मिश्रण है। आज जहां चारों ओर भक्ति का आधार मात्र सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तक सीमित रह गया है, वहां श्री महाराज जी की वाणी सकामता से उबार कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार करवाती है कि हम उस अमृत स्वरूप भगवान की संतान है। श्री महाराज जी ने भगवदीय प्रेम का ऐसा आंदोलन चलाया जिसकी गूंज केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी सुनाई दी, और वो गूंज है अपने प्रेम रस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने की गुरुवर की ये अनवरत यात्रा निराली ही थी, जिसके आदि, मध्य और अंत सब में प्रेम का संचार था। लक्ष्य भी प्रेम, लक्ष्य तक जाने का मार्ग भी प्रेम, और माध्यम भी प्रेम। कृपालु महाप्रभु ने इस संसार को भक्ति और प्रेम के वो स्तंभ दिए हैं जो संरक्षित करेंगे सनातन वैदिक परंपरा को और सृष्टि करेंगे उस आधार की जिस पर भगवदीय प्रेम का महल युग युगांतर तक स्थापित रहकर ईश्वरीय प्रेम मार्ग पर चलने वाले पथिकों का
पथ प्रदर्शन करेगा। ये स्तंभ हैं भक्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, कीर्ति मंदिर। यदि हम विचार करें तो किसी भी तीर्थ स्थान की महिमा बस एक ही है कि उसे किसी सच्चे संत द्वारा स्थापित किया गया हो। इसी प्रकार श्री महाराज जी द्वारा स्थापित ये स्मारक स्त्रोत है, उस अगाध दिव्यता के जहां के कण कण में दर्शन होते हैं उनकी अपार करुणा व प्रेम के। उन करुणा सागर प्रभु की करुणा के ऋण से भला कौन उऋण हो सकता है, जिन्होंने हमारे लिए इस सृष्टि का निर्माण किया, उसमें हमारे जीवनोपयोगी समस्त सामान बनाए। परंतु उन गुरुवर की करुणा का तो न आदि है और न अंत, जिन्होंने इस सृष्टि में अवतरित होकर हम पतितों के उद्धार हेतु एक अद्भुत सृष्टि की और दिव्य धामों का सृजन किया, दिव्य मंदिरों को प्रकट किया और प्रदान किए दिव्य साधना भवन। संपूर्ण विश्व को दिए गए इन अमूल्य उपहारों से हमारा हृदय आभार से अभिभूत हो उठता है और इसके लिए हम सदैव अपने गुरुदेव के ऋणी बने रहेंगे, जो जगत गुरु हैं, संपूर्ण संसार के गुरु हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की। राधे।